तो जी आगे इस वीडियो तक, इस वीडियो में हम बनाएंगे थंबनेल आपके सामने ही और इसी वीडियो पे यूज होंगे जो आप देख रहे हैं। थैंक्स यहाँ तक वीडियोस को देखने के लिए। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो आपको बताता चलूँ कि ये एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम कैनवा सिखा रहे हैं और आप इसी चैनल पे जाके कैनवा की प्लेलिस्ट सेलेक्ट करके नंबर वन वीडियो से एंड तक देख सकते हैं। थंबनेल पे नंबरिंग लगाई हुई है। इस वीडियो में हम थंबनेल डिजाइन करने लगे और आपके सामने डिजाइन होगा ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका थंबनेल अभी डिजाइन करने लगे। जादू है थोड़ा सा, ये भी डिजाइन करके बाद में लगा देंगे। तो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि मैं डिजाइन कैसे करता हूँ और आप भी वहां से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो वेलकम टू द कंप्यूटर स्क्रीन। आपने अगर लास्ट वीडियो देखी है तो वो स्क्रीन यहाँ पे ही थी, यहाँ पे छोड़ी थी। मैं इस पेज को करता हूँ डिलीट और इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन के हिसाब से फिट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इन चीज़ों को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसे डिज़ाइन शुरू करें। ये हमारा स्क्रीन हो गया सेट। अभी बैकग्राउंड पे वाइट है सिंपल, तो यहाँ पे मुझे कोई कलर चाहिए जो अच्छा सा हो और इसे हम मज़ीद बेहतर बना सकें। तो या तो आप यहाँ से कोई इमेज उठा सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पे एलिमेंट में जाएं। अगर आपने ग्रेडियंट लगाना है तो आप ग्रेडियंट सर्च करेंगे और आपको डिफरेंट ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। ये आपके सामने ग्रेडियंट्स ओपन हो गए और इसमें से कोई आप सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं ये लगा लेता हूँ, इसको मैं लेके आया इस मेन स्क्रीन पे और इस पर राइट क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट एनिमेट कर सकते हैं, कमेंट किया इसके साथ हम लिंक लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसको वीडियो के बैकग्राउंड में लगाना है। ये मैंने इस तरह करके ये एक बैकग्राउंड बना दिया है इस थंबनेल का और इसमें मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे इसकी मज़ीद सेटिंग आ गई। यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, इमेज एडिट कर सकता हूँ, मोबाइल वाली एडिटिंग जो होती है, उसके बाद क्रॉप, फ्लिप, फ्लिप होता है रोटेट करना, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन और एनिमेट। एनिमेट हम तब करेंगे जब हम वीडियोस फॉर्मेट में बात करेंगे। अभी हम इमेज बना रहे हैं तो सिंपल इट इज़। यहाँ से आप इसके कलर पे अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये एक इस तरह का कलर बन गया है और इसकी जगह हम थोड़ा सा ये कर देंगे जो कि नहीं सही लग रहा, हम पहले वाले ही रहने देंगे। उसके बाद ही हमें एक बॉक्स चाहिए जिसमें हम थंबनेल पे नंबरिंग करेंगे ये वीडियो नंबर कौन सी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे या तो बॉक्स सर्च कर लेंगे या रेक्टेंगल सर्च कर लेंगे जो आपको दिल करता है। उसके अलावा अगर आपने रेक्टेंगल लेना है तो आप इस पर आर क्लिक करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगा। आप यहाँ से भी ला सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ गया, मैं इसे डिलीट करता हूँ। अगर आप आर प्रेस करेंगे तो भी आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा। इसको मैं इस कॉर्नर में लगाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपने वीडियोज़ के नंबर बताऊँगा कि इतने नंबर वीडियो हमारी चल रही है, ठीक है। ये कॉर्नर पर आ गया और इसका कलर हम कर देते हैं जनाब वाइट, ठीक है, और इसमें हम एक टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट अब यहाँ से आएगा, ठीक है, या आप टी लगाएंगे तो उससे टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे, सिंपल ऐड हेडिंग करेंगे और इसको मैं वन पे क्लिक करता हूँ। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है, ये इसके कलर्स हैं, ये इसकी लाइंस, यानी कि जो उसके बॉर्डर बने हुए वो हैं, जो डिफरेंट आप शेप्स लेते हैं तो उसमें यूज़ होती हैं। और अगर आप इसे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें देखने का मिलेगा। इसके अंदर आप अगर जो टेक्स्ट लगाएंगे उसका फॉन्ट भी इसने बताया हुआ है, उसके बाद इसका साइज बताया हुआ है, कलर बताया हुआ है, इसके फॉन्ट का जो इसके अंदर यूज़ होगा वो बताया हुआ है। अभी हमने ये एक यानी कि पहली वीडियो का हम थंबनेल बना रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं जिसका मुझे फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा, तो यहाँ से मैं इसका कोई फॉन्ट और सिलेक्ट कर लूँगा, कोई अच्छा सा एक फॉन्ट देखते हैं। ये एक फॉन्ट है, ये मुझे बड़ा पसंद है और ये फ्री में अवेलेबल भी है और हम इसको थोड़ा सा इसके मुताबिक सेटअप करते हैं। और अगर इसमें लेयर्स का ऑप्शन होता है, जैसे आप वीडियोस में या किसी में लेयर होता है यानी कि एक चीज़ उसके ऊपर होती है, तो उस तरह ये काम करता है। लाइक ये बैकग्राउंड के ऊपर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये एक उसके ऊपर है, और अगर आपने नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल से कर सकते हैं। अभी ये यानी कि इसको मैं इसके मुताबिक एडजस्ट थोड़ा सा करता हूँ ताकि ये नज़र आए, या हम इसको 0-1 कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा और ये ऐसे और ये ऐसे, ये आपके सामने 0-1 लगा दिया। आप यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आपका इस तरीके से अभी तक बन चुका है। उसके बाद मुझे चाहिए एक सोशल मीडिया के लिए या किसी चीज़ के लिए, यहाँ पे मैं एक वाइट नीचे बार लगाऊंगा जिस पे मैं अपने सोशल मीडिया मेंशन कर सकता हूँ। तो मैं अगेन रेक्टेंगल लूँगा आर से और मैं इसको यहाँ पे बॉटम में ले जाऊँगा और इसको मैं यहाँ तक ले आया, जस्ट अ मिनट। तो इसका भी कलर मैं करूँगा वाइट और अभी मैं एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन सर्च करता हूँ। लाइक मैं फेसबुक सर्च करता हूँ या आप डायरेक्ट सोशल मीडिया आइकन भी लिख सकते हैं, ये फेसबुक है। उसके बाद हम सर्च करते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है,
और ये आपके सामने इंस्टाग्राम अगर सर्कल में मिल जाए तो गुड हो जाएगा। सर्कल में आई गेस ये नहीं है, हम ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम और क्या होता है, ट्विटर यूज़ कर लेंगे। इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ आपके लिए ताकि मैं आइकन सेलेक्ट कर लूँ। जी, तो आपके सामने मैंने चार आइकन लिए। अब इसको मैं एडजस्ट करता हूँ इस बार में। सबसे पहले मैं फेसबुक लेके आऊँगा, इसका साइज छोटा करूँगा और ये यहाँ पे मैं इसको रखूँगा। इसको अकॉर्डिंग टू इसके साइज़ में ले जाएंगे। ठीक है, सेम लाइक ट्विटर को लेके आते हैं, इसको भी इसी तरह ले आएंगे। और ये फास्ट फॉरवर्ड में आप देखें, ये सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं। आपकी ये जो पिंक कलर की लाइन आ रही है, आपको बताएंगी कि आपकी सब कुछ अलाइनमेंट में है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिंक्डइन को भी ले आया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को भी ले आया। ठीक है जी, ये हमारा इंस्टाग्राम आ गया। अब ये मैंने जब इनको मूव करना था राइट साइड पे, तो ये बैक वाला मूव हो रहा है, तो मैं इसे क्या करूँगा, लॉक कर दूंगा। यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको लॉक किया और ये अब एडिट नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, मैं इसे अनलॉक करके इसे सही एडजस्ट कर लूँ ताकि एंड तक चला जाए। इसको अब हम अगेन लॉक कर देंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ स्क्रॉल करता हूँ और इस तरफ से भी इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अगेन लॉक करते हैं और ये सोशल मीडिया आइकन मैं, सॉरी, ऊपर वाला फिर सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल जेड दबा के मैंने उसे भी लोकेशन पे किया, इसको भी लॉक किया और इनको मैंने सिलेक्ट किया। और मैं जस्ट अ मिनट, ये आइकन के बाद मैं यहाँ पे टी प्रेस करूँगा टैक्स के लिए, और मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखता हूँ स्लैश ज़िया कमाल। आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे, मेरा ना लिख देना। और ये मैं इसके साथ यहाँ पे इसके आगे लगा दूंगा। ये आपके सामने मैंने अपना सोशल मीडिया यूज़र नेम ऐड किया, और इस तरफ मैं अपनी वेबसाइट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट सर्च करूँगा और इसका मुझे एक आइकन कोई फ्री वाला मिल जाएगा। तो ये एक आइकन अच्छा है, इसको मैं थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ। अगेन फास्ट फॉरवर्ड में आप इसे देखें, कोई इसमें कोई इतनी कोई मुश्किल जो बात हुई, क्रिटिकल बात हुई, वो आपको मैं बता दूंगा। अगेन मैं इसको आल्ट प्रेस करके इसको उठाता हूँ, ये पूरा कॉपी हो गया सेम एज इट इज़, और इसको मैं ला के इसके आगे लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल आ गया, और इसको भी मैं इसके साथ ही ले जाता हूँ। इसको मैं एरोज से थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा ताकि ये उसके मुताबिक सेट हो जाए। जी, तो ये है हमारा एक बेसिक सा, ये जो थंबनेल बन चुका है, अभी इसमें ये काम हुआ है। उसके बाद अभी मैं चाहता हूँ कि इस तरफ मेरी एक पिक्चर आ जाए और इस तरफ हम उसका टेक्स्ट ऐड करेंगे। थंबनेल में हमेशा आपने याद रखना है कि जितना सादा और जितना उसका टेक्स्ट कम होगा उतना वो बेहतर होगा, ताकि फोकस उस चीज़ पे जाए जो आप दिखाना चाह रहे हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड या बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें लिख दी, तो उसका फोकस क्लाइंट का या व्यूअर का, आपके का नहीं जाएगा उस पर। तो इसके लिए यहाँ पे मैं अपनी एक इमेज लेना चाहता हूँ, उसको मैं फ्रेम से भी ले सकता हूँ या मैं डायरेक्ट लेता हूँ। मैं अपलोड पे जाता हूँ और मैं अपनी कोई इमेज इसमें अपलोड करके फिर आपको मिलता हूँ। तो ये मेरे पास एक मेरी इमेज आ गई है। अगर मैं इसे उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये आपके सामने यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं करता हूँ, और अगर आपके पास प्रो है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये खुद ब खुद ये कैनवा के अंदर ही हो जाएगा, लेकिन आप प्रो के साथ यूज जाएंगे। उसके अलावा एक और मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कोई फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, मैं इस फ्रेम में जाता हूँ, यहाँ से कोई इस तस्वीर के लिए कोई अच्छा सा फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ जो यहाँ पे सूट करे। आई गेस सर्कल ही ठीक रहेगा, ये सर्कल मैंने इधर लगाया। अब मैं जैसे ही इस इमेज को सर्कल के ऊपर लेके जाऊंगा, वो उसमें फिक्स हो जाएगी। इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, और इस इमेज को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ से थोड़ी सी ब्राइटनेस भी बढ़ा दूंगा, जिस तरह आप मोबाइल में एडिटिंग करते हैं, तो ये उस तरीके से काम करेगा। लेकिन वो जो आपने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जो वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में थंबनेल बनाया, वो कैनवा प्रो से बनाया हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें मज़ीद बेहतर हैं। ये आप यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं यूज़ करूँ वो देख सकते हैं, डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह हैं इसके। ठीक है, तो ये हम इसको एक दफ़ा ऐसे रखते हैं। साइज़ इसका मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, और इस सर्कल के इर्द गिर्द मैं कोई डेकोरेशन सी लेके आता हूँ। मैं जस्ट एक सर्कल टाइप करता हूँ और ग्राफिक्स में चला जाता हूँ सीधा, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिला है। ये आप देखें, डिफरेंट आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे सर्कल के रिलेटेड। तो
यहाँ से कोई अच्छा सा हम सिलेक्ट करते हैं। तो एक यहाँ पे मुझे ये सर्कल नज़र आया है गोल्डन से कलर का, तो मैंने इसको इस पे, सॉरी ये देखें ये रिप्लेस हो रहा है, मैं इसको एरोज़ की मदद से इस सर्कल के एग्जैक्ट उस जगह पे ले आऊँगा जहाँ पे मुझे चाहिए। इसको थोड़ा सा साइज़ हम अगर छोटा करेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ये मैंने सर्कल लगा दिया, आई गेस थोड़ा सा और छोटा होगा ये, और ये यहाँ पे बड़ा फिटिंग आ गया। ये इस तरीके से हमने उसके गिर सर्कल लगा लिया। तो मैं, आपने अक्सर देखा होगा इसके पीछे से अक्सर लाइट निकल रही होती है, तो मैं यहाँ पे एक जस्ट लाइट या ग्लो आप सर्च करें, ये मेरे अपने कीवर्ड्स हैं, आप अपने कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। और एक ये भी चीज़ है जो मैं, ये सॉरी कैनवा प्रो में है बट, लेकिन आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका वाटर मार्क का कोई पता नहीं चल रहा, ये और भी अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसको ऐसे यूज़ कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं आने वाला। एक मसला मुझे यहाँ पे नज़र आया वो ये है कि ये बॉर्डर के साथ अटैच नहीं है, जिसकी वजह से कलर नज़र आ रहा है हमें, तो हम इसे भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी एक इमेज लग गई है यहाँ पे, और ये हमारे पास एरिया खाली है, यहाँ पे हम अपना टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, हमारी पहली वीडियो का जो टॉपिक था वो यहाँ पे आएगा। वो पहली वीडियो क्या थी, इंट्रोडक्शन टू कैनवा। मैं फिर अगेन टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन टू कैनवा यहाँ पे लिया, और उसके बाद इसको मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। अगेन मैं वही लगा देता हूँ जो मुझे पसंद है, इसको भी आप सेलेक्ट करके वही लगा देंगे, तो ये आपके पास आ गया। अभी इसको सेलेक्ट ऑल करें और आप इसको अलाइनमेंट इसकी सही करें। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, यहाँ पे फ़ॉन्ट है, यहाँ पे साइज़ है, यहाँ पे कलर है, तो ये आपने देख लेना है। और अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत बनाता हूँ। ये कैनवा है, इसका हम साइज थोड़ा सा करते हैं बड़ा, आप इसमें टाइप करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कैनवा मैंने इंट्रोडक्शन टू के तकरीबन बराबर कर दिया है। अभी यहाँ पे जो मसला आ रहा है वो ये है कि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ये एक ऑप्शन है। अगेन मैं ऑप्शन वैसे रिवाइज कर देता हूँ, ये आपको पता होगा सारे। ये इसको कैपिटल करने में मैं कंट्रोल आल करके इसको सबको कैपिटल कर दूंगा ताकि खूबसूरत लगे, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हो सकती हैं। ये अलाइनमेंट है, ये जो बुलेट या नंबर आप लगाते हैं वो है, और ये है हमारा जिसको लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग में यूज़ करेंगे। लेटर स्पेसिंग ठीक है, लाइन स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है तो हम इसे कम कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हम ऐसे करेंगे, और इसके सारे का हम कलर हम कर देंगे वाइट। अभी फोटोशॉप वगैरह में तो आपने देखा होगा कि आपको, सॉरी ये मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दूं ताकि ये इसके अकॉर्डिंग सेट आ जाए। इसको गेन सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ। ये इस टाइप का मैंने एक लिख दिया इंट्रोडक्शन टू कैनवा। कैनवा के हम कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक हम, मैं इधर येलो या गोल्डन सा करके देखूँ तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा मेरे ख्याल लग रहा है, जैसा भी डिज़ाइन हो रहा है आपके सामने है भाई साहब। उसके बाद यहाँ पे मैं एक जगह पे प्लेलिस्ट का नाम भी लिख देता हूँ, या यहाँ पे मैं बाय ज़िया कमाल भी लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा टेक्स्ट फिल हो जाए, बाय ज़िया कमाल, कंट्रोल ए अगेन एंड टेक्स्ट चेंज। उसके बाद इसको सबको कैपिटल कर दिया, एंड यहाँ पे आप अगेन आर प्रेस करके रेक्टेंगल एक लेता हूँ मैं, और इसका मैं कलर करता हूँ वाइट। ये मैं इस रेक्टेंगल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, और इन दोनों को सिलेक्ट करके साइज थोड़ा बड़ा करते हैं। अब मैंने नेक्स्ट में जस्ट ये टाइटल चेंज करना है, और मुझे बाकी थंबनेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे अभी भी खाली जगह, तो मैं यहाँ पे कुछ YouTube के बारे में लिखूँगा, तो मैं YouTube सर्च करता हूँ, और यहाँ पे मुझे YouTube की चीज़ें मिल गई हैं वैसे। और मैं यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन अगर लगाना चाहूँ वो भी लगा सकता हूँ, कुछ भी डिज़ाइनिंग जो आप पे डिपेंड करता है, जैसा आप करना चाहते हैं वैसी हो जाएगी। इसमें कुछ प्रो वाले हैं जिसपे क्राउन बना हुआ है, ठीक है, तो वो आप नहीं यूज़ कर सकेंगे फ्री वाले वर्जन में। मैं आपके साथ ये यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं फ्री यूज़ करता हूँ। तो हम कोई सिलेक्ट करते हैं बटन, तो ये एक बटन है, ये मैंने इसको, ये अब एनिमेट कर रहा है जब ये वीडियो में आएगा। तो अब ये देखें, ये लेयर की वजह से मसला आ रहा है, तो मैं इसे कंट्रोल से प्रेस करूँगा और वो नीचे वाला सिलेक्ट कर लेगा, या मैं इसे एक दफ़ा साइड पे भी कर दूंगा, ये डिपेंड करता है आप कैसी डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं। सब्सक्राइब का मैं इधर बटन लगा देता हूँ, या मैं इसको किसी भी जगह प्लेस कर दूंगा ताकि ये
थोड़ा सा फील हो जाए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी प्लेलिस्ट का नाम, अगर इसको हम एनिमेट ऑफ कर सकते हैं तो, नहीं ये इसकी अपनी है ये नहीं होगी, ये जब हम पिक्चर में डाउनलोड करेंगे तो खुद ब खुद सब्सक्राइब पे रुक जाएगा, या आप यहाँ से कोई और भी यूज़ कर सकते हैं या आप खुद भी लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कैनवा मैंने इसमें लिख दिया, और इस वीडियो में हमने जो बाकी चीज़ें डिस्कस की हैं हम वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स सी हमने क्या डिस्कस किया। अभी इस वीडियो में मैंने अर्न मनी फ्रॉम कैनवा भी डिस्कस किया था, वो भी हमें थंबनेल में लिखना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और इसके बाद मैं वो भी लिखूंगा। उसके लिए मैं अगेन टेक्स्ट लेता हूँ, या इसको मैं आल्ट प्रेस करके एक और बना लेता हूँ जिसमें से कैनवा को मैं रिमूव कर दूंगा। कैन यू अर्न मनी, ठीक है, इसको भी मैं इस तरीके से कर देता हूँ और मैं इसे कैनवा के बराबर ले आऊँगा, सारा फॉन्ट ताकि बराबर हो जाए। कैन यू अर्न मनी ये भी हमने डिस्कस किया था, इसके एंड पे अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा लें, और हम मेरे ख्याल इस वर्ड को, ये ग्रामरली का फॉन्ट आ रहा है, इसको हम गोल्डन अगर कर दें तो देखते हैं कैसा लगता है। तो ये एक इस तरीके से हमने किया, इसको अगेन मैं आल्ट पे प्रेस करता हूँ, और मैंने उसमें डिस्कस किया था कैनवा वर्सेस फोटो शॉप, ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस किया था। ये वो चीज़ें हैं जो यूज़र अट्रैक्ट करेगा और इन्हें देखेगा। तो इसका मैं ये VS को गोल्ड कर देता हूँ, आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, या आप इनके साथ रेक्टेंगल भी अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पूरा एक बड़ा टाइटल सा बन गया। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, इसका साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये हमारा एक थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मैं इसमें देखता हूँ अगर कोई और चेंजिंग करनी हो तो वो भी करेंगे हम। तो ये आपका आंखों देखा सारा सिस्टम हो गया, ये नज़र का धोखा जिसे कहते हैं, ये आपके सामने मैंने कैनवा पे बैठ के थंबनेल बना दिया। यहाँ पे उस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं हम वो यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे ये सेम रहेगा, बाकी चीज़ें भी सेम रहेंगी, और ये हमारा थंबनेल रेडी है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपकी वीडियो का टाइटल है वही आपकी थंबनेल का नेम होना चाहिए। तो जस्ट सिंपल आपने बनाने के बाद इसको शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे जाना है, और आप इसको ये JPG पे जाएंगे और इसको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एंड ये आपको कह रहा है कि ये आपने जो एक प्रीमियम चीज़ यूज़ की है, जो ये फ्रेम है जो मुझे उसमें वाटरमार्क की जो लाइन है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और हम इसे इस पर क्लिक करके डाउनलोड आप फ्री वाटरमार्क ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। एंड इसे मैं डाउनलोड करता हूँ, लेट्स सी क्या क्या होता है। पहले ये इजीली चल जाता होता था वाटरमार्क के साथ ही, लेकिन ये अभी भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसको डाउनलोड होने के बाद ये हमें किस तरह नज़र आ रहा है, तो हमें ऐसा ये एक थंबनेल मिल गया है इजीली आफ्टर अ शॉर्ट लेक्चर जो आपने वीडियो में देखा। और आप इस तरह के थंबनेल अपनी वीडियो के बना सकते हैं, ये टेम्पलेट नहीं यूज़ हुआ हुआ, ये मैंने खुद पर्सनली डिज़ाइन किया है आपके सामने। तो कैसी लगी आपकी वीडियो आपने बताना है नीचे कमेंट वगैरह में, और मुझे इंतज़ार रहेगा इस चीज़ का। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वीडियो फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।